हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं कल्याण स्वागत करता हूँ आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल नंदा में। तो दोस्तों, इस बार मैं आपके लिए एक शानदार सा वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि LG का जो स्मार्ट टीवी होता है या 4K टीवी होता है आपके पास अगर है, उस टीवी में आपको अगर मोबाइल वगैरह का जो स्क्रीन को शेयरिंग करने में दिक्कत आता है तो उसको आप कैसे मतलब यूज करेंगे, मोबाइल स्क्रीन को कैसे शेयर करेंगे, उसका पूरा डिटेल्स मैं आज का इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, कहीं नहीं जाइएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए। और उसके साथ साथ अगर आप इस चैनल में अभी भी नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नया नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करेंगे। और प्लीज 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 वीडियो को लास्ट तक देखिए, ये आपके काम में आ सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है प्लीज कमेंट करके मेरे को जरूर बताएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। बताया था कि आज का वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि जो LG का 4K टीवी होता है या आपके पास अगर स्मार्ट टीवी है उसमें आप कैसे मोबाइल स्क्रीन को शेयरिंग करेंगे, उसका पूरा डिटेल्स मैं आज बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर ये जो वीडियो आप देख रहे हैं तो प्लीज़ कृपया करके लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसमें पूरा फीचर्स जो है मैं पूरा बारीकी से बताने वाला हूं। दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करेंगे। उसके साथ साथ अगर आप इस चैनल में अभी भी नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में हमारा जो फेसबुक पेज है उसको भी फॉलो कर दीजिए, क्योंकि फेसबुक में भी हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो उसमें भी आप जाके इसके बारे में पूरा डिटेल्स में देख सकते हैं, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों, चलिए फटाफट स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, मैं आज आपको दिखाने वाला हूं जो मोबाइल स्क्रीन शेयरिंग करेंगे उसके लिए मेरे पास है, अभी जो फ़ोन मैं आपको करके दिखाऊंगा ये फ़ोन है, ओप्पो का फ़ोन है, मैं आपको करके दिखाने वाला हूं। दोस्तों, ये देख सकते हैं ओप्पो का स्मार्टफोन है मेरे पास। तो कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका जो सेटिंग्स है सेटिंग को ऑन करना पड़ेगा। जैसे ही हम इस सेटिंग को ऑन करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे वाईफाई, इस सारी चीज़ का हमको सिंपल स्टेप, सबसे पहले इसका वाईफाई को क्लिक करना है। वाईफाई हमारा ऑलरेडी ऑन है, अगर आपका ऑफ है तो मैं इसको और एक बार ऑन करना पड़ेगा। तो वाईफाई को ऑन रखना है, रखने के बाद आपको उसके बाद क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देख सकते हैं कनेक्शन एंड शेयरिंग चौथे नंबर पे है। ये ओप्पो का फ़ोन के बारे में बता रहा हूँ, ऐसे सेम वीवो में भी आपको मिलेगा, नेटवर्क एंड कनेक्शंस करके आपको जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये जो होता है हमको कनेक्शन एंड शेयरिंग में क्लिक करना है। जैसे ही हम कनेक्शन एंड शेयरिंग में क्लिक करते हैं, दोस्तों जैसे ही आपको बताया कि जैसे ही हम लोग कनेक्शन एंड शेयरिंग में क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन दिखाई देता है। तो सिंपली सी हमको स्क्रीन कास्ट का जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे व्हाइल यूजिंग अब हम अलाउ कर देंगे। तो जैसे ही अलाउ कर दिए तो यहाँ पे हमको परमिशन का अलाउड मांगता है, तो हम सब लोग हम सब चीज का अलाउ हम कर दिए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा टीवी का मॉडल नंबर दिखना स्टार्ट हो गया है। आप देख सकते हैं पूरा टीवी जो है मेरा मॉडल, मैं थोड़ा क्लोज में ले आता हूँ। तो मेरा सामने जो टीवी अभी चल रहा है आप देख सकते हैं ये LG का नानो 75 मॉडल है, तो उसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं अभी क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है यहाँ पे एक्सेप्ट करके ऑप्शन मांग रहा है, तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे ही हम इसमें एक्सेप्ट करते हैं जो हमारा फ़ोन है पूरा मिररिंग हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ये फ़ोन मेरा है, तो ये फ़ोन के साथ साथ सारे चीज़ मेरा अभी मिररिंग हो गया। तो दोस्तों, ये जो है तरीका बहुत आसान सा तरीका है, आप इसको अगर मतलब कंफ्यूज नहीं होइएगा तो आप कोई भी मतलब मोबाइल से अगर आपका उसमें स्क्रीन शेयर का ऑप्शन अवेलेबल है वहाँ उससे भी आप इसको कर सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं, या कोई भी वीडियो वगैरह आप चलाना चाहेंगे चला सकते हैं, और उसके साथ साथ इसको अगर आप फुल स्क्रीन करना चाहेंगे तो आपका फ़ोन को अगर ऐसे घुमा देंगे तो ये आपका हो जाएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके साथ दोस्तों, अगर आप वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब किए नहीं है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नया नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मैं आऊँगा और एक वीडियो के साथ। तब तक गुड बाय।